गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. वेल स्टूडेंट्स, वी हैव बीन डूइंग दिस टॉपिक ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. द लास्ट मॉडल वीडियो लेक्चर हैज बीन पोस्टेड इन विच वी हैव डन अप टिल द सेकेंड पॉइंट दैट इज होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ शेयर. एक्चुअली वी आर डूइंग व्हाट आर मीनिंग ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज. तो पहला पॉइंट इसमें था दैट वेन वन कंपनी कंट्रोल हैज अ कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी. एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि कौन डायरेक्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो पहली वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है और उसके अंडर यानी कि जिसके ऊपर ये कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है उसे उसकी सब्सिडरी माना जाता है. दूसरी पहचान क्या है होल्डिंग सब्सिडरी की? होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ शेयर्स. ये वाला पॉइंट मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वीडियो में कि भाई अगर जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर अपने कब्जे में रखती है तो नेचुरली उसके पास मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स होती है. तो एज अ रिजल्ट ये दूसरा तरीका है हैविंग कंट्रोल ओवर दी अदर कंपनी. नाउ वी ऑल नो दैट इन कंपनीज वॉट एवर डिसीजन मेकिंग इज डन इट इज डन डेमोक्रेटिकली यानी कि वोटिंग के द्वारा की जाती है. तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ यू आर हैविंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी इट मींस इफ देयर इज अ वोटिंग ऑन एनी इंपॉर्टेंट मैटर देन वी विल विन दैट प्रपोजल. व्हाई? बिकॉज वी हैव मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो दिस इज हाउ वन कंपनी हैज अ कंट्रोल ओवर अनदर. जो तीसरा जहां से मुझे आज स्टार्ट करना है वो है सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी. ये सिंपल है कि देखिए कंपनी ए इज दी सब्सिडरी ऑफ कंपनी बी. एक तरह से समझिए कंपनी ए नीचे है और कंपनी बी उसके ऊपर है एंड बी इज दी सब्सिडरी ऑफ सी यानी कि बी के ऊपर सी है. यानी कि अगर हायरार्की देखे तो सबसे ऊपर सी है, उसके बाद बी है और सबसे नीचे ए है. ठीक है, ए और सी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट चूंकि बट ए इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ सी इवन इफ सी मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी. Even if C may not be a company of, if A may not be a company of C. देखिए यहां पर यह C गलत लिखा हुआ है. I will correct it. Let me correct it. You have to understand this thing के सबसे ऊपर जो कंपनी है बच्चों, ठीक है, सबसे ऊपर जो कंपनी है वो कौन सी है? वो है बच्चों सबसे ऊपर है C, उसके नीचे है B. ठीक है, यानी कि बी सब्सिडरी है सी की और ए सब्सिडरी है बी की. यानी कि सी बी ए ये हायरार्की है. ठीक है, इस हायरार्की को मेंटेन करते हुए अब आप देखिए कि इवन इफ ए मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ सी, भले ही ए डायरेक्टली रिलेटेड ना हो सी से, इवन देन इट विल बी कॉल्ड अ सब्सिडरी ऑफ सी. सबसे ऊपर सी है, उसके बाद बी है और सबसे नीचे ए है. यानी कि ए बी की सब्सिडरी है और बी सी की सब्सिडरी है. ए और सी डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है बट फिर भी ए को सी का सब्सिडरी माना जाएगा इवन दो इट मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी सी. सो ये जो तीन पॉइंट है दिस इज द रिलेशन दैट इज जस्टिफाइड इन विद रेस्पेक्ट टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. तो पहला बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, दूसरा हैविंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द अनदर कंपनी और तीसरा दैट देयर इज अ होल चेन ऑफ वन कंपनी होल्डिंग द अनदर. इसका ये जो थर्ड पार्ट है बच्चों सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी, इसमें मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा. जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ कंपनी. मोर देन 100 कंपनीज आर बिलोंगिंग टू टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट. अब ये जो सब्सिडरी कंपनी और उसकी होल्डिंग कंपनी का जो सिस्टम है, दिस इज हाउ द होल दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप होल्डिंग. यानी कि ऊपर एक पेरेंट कंपनी है, जैसे टाटा सन्स जो है वो पेरेंट कंपनी है, उसके नीचे एक कंपनी आई. ठीक है, मान लो तीन कंपनी मेन आई, वो उसकी सब्सिडरी है सबसे टॉप कंपनी की टाटा सन्स की. इन तीन के अंदर और तीन कंपनीज, उनकी सब्सिडरी है. तो इसी तरह से पूरी हायरार्की और चेन होती है. ये सिस्टम इसलिए भी होता है बच्चों जिससे कि हमारी ग्रुप होल्डिंग से कोई कंपनी इंडिपेंडेंट ना हो जाए
ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी सब्सिडरीशिप में नहीं है कोई कंपनी तो वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करते और हमारे ग्रुप से अलग हो जाए, ये बड़े ग्रुप की कंपनीज में ज्यादातर होता है, तो वो ऐसा ना कर पाए एंड वी आर एबल टू कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर ऑल द कंपनीज डाउन बिलो, दिस सिस्टम इज फॉलोड दैट वन कंपनी बिकम्स द होल्डिंग, देर आर नंबर ऑफ सब्सिडी कंपनी अंडर इट, देन देर आर फर्दर सब्सिडी कंपनी अंडर इट, दिस इज हाउ द होल चेन ऑफ कंपनी, द होल कंट्रोल ऑफ द कंपनी वन आफ्टर द अदर डाउन बिलो इज मेंटेन्ड. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे ऑलवेज कॉल मी. राइट, नाउ कमिंग टू द गवर्नमेंट कंपनी. सो वट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इज वन इन विच 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बोथ बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि 51% शेयर्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यानी दोनों या दोनों के मिलजुल के हैं, मोर देन 50% यानी 51%. इन दैट केस सच अ कंपनी विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जैसे होती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू फॉरेन कंपनी. अ फॉरेन कंपनी इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जिसका जन्म हुआ है एक तो उसे बोलेंगे. बट फॉरेन कंट्रोल कंपनी मीन्स अ कंपनी, इट मे बी फॉरेन और इंडियन, इन विच मेजोरिटी शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग पावर्स आर इन द हैंड ऑफ फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड और फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडीज. यानी मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स और बाय फॉरेन कंपनीज. सो सच अ कंपनी इज कॉल्ड एज फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी. ठीक है, सो बट फॉरेन कंपनी वो है जो एसेंशियली बनी ही फॉरेन कंट्री में है, फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, राइट, इनकॉर्पोरेटेड. नाउ एक टॉपिक है ये, इसमें डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट एक अलग एक्ट है जिसमें कि पार्टनरशिप कम्स इन टू एग्जिस्टेंस एंड अ कंपनी एक्ट इज डिफरेंट. राइट, बट हाउएवर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप. अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 1956 एंड नाउ कंपनीज एक्ट 2013 एंड पार्टनरशिप एक्ट इज पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. राइट, मोड ऑफ क्रिएशन. अ कंपनी कम्स इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट, वेयर एज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप. बट ये जरूर यहां पर कहूंगा कि अगर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो उसमें लीगल फ्लॉज होते हैं. ठीक है, तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू गेट योर पार्टनरशिप ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट टू डू बिजनेस. क्योंकि देखिए, बिजनेस करने के तीन जनरल मोड होते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी. ठीक है, नाउ लीगल स्टेटस. अ कंपनी हैज अ लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स. A partnership is not a person in the eyes of law. It is made of several persons who compose it. देखिए, यही basic difference है partnership और company में, कि company में member shareholders और company का वजूद अलग होता है, separate legal entity, जैसे मैंने समझाया था पहले भी. Partnership में partnership comprises of people those who compose it. यानी कि partnership में जो partners और partnership अलग नहीं है, वो एक ही है. तो इसलिए कहते हैं कि भाई partnership में अगर debt है तो वो डेब्ट शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, वो चाहे कितना भी हो. बट कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है और लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. लीगल स्टेटस में भी डिफरेंस है, दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस है. ठीक है, और इसके अलावा पार्टनरशिप आसानी से बनाई जा सकती है भाई, एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे पार्टनर्स जितने हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन लिख के नीचे सिग्नेचर कर लें. सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स दोज हू कम टुगेदर टू डू सम बिजनेस. वेयरस कंपनी इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज अ लीगल एंटिटी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी एंडेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी. मैंने समझाया था कि कंपनी की मूवेबल इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे होगी. मान लीजिए जमीन के कागज हैं तो वो कंपनी के नाम पे होंगे, प्लांट का कागज है कंपनी के नाम पे होंगे, गाड़ियों के नंबर रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं उसमें कंपनी का नाम होगा. सो दिस इंडिकेट्स दैट दिस प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इट बिलोंग्स टू द कंपनी बट नॉट टू द इंडिविजुअल डायरेक्टर और एनी फंक्शनरी ऑफ द कंपनी.
whereas the property of the partnership firm is the joint property of the partners who are collectively entitled to it. But partnership mein kya hota hai, jo bhi property partnership firm ki hoti hai wo jointly owned hoti hai by the partners, those who have composed it, jinhone usko banaya hai. Liability of the member of a company to contribute towards satisfaction of company's debt and liability is limited, jo maine abhi bataya tha ki limited liability ka concept lagu hota hai in case of a company, whereas in partnership the partners are liable without limit towards the debtor. Kitne bhi paise inko milane pad sakte hain apne external debts ko chukane ke liye. Wahan limited liability ka concept lagu nahi hota. हालांकि अब LLP आ गई है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आ गई है, एंड इट इज क्रिएटेड अंडर पार्टनरशिप एक्ट ओनली. सो वी विल एंड ओवर हियर, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.